कि ऑन अगर लेवल रोड तो V की वैल्यू कितनी थी, V max इट इज रूट μSRG, और ऑन बैंक्ड रोड क्या देखा था, अंडर रूट RG tan थीटा। ऑन बैंक रोड V max वो तो जब फ्रिक्शन ना हो तब, फ्रिक्शन होगा तब क्या होगी, और वो जो सोर थ्रोट है गले का दर्द वो सही है। यस सर, अभी सिर्फ खांसी है। बोलने में तो तकलीफ नहीं है? नो सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये समझ में आया, ये कब का है, जब ये क्या दिया है, दिस इज द केस जब इसमें फ्रिक्शन हो, और इफ फ्रिक्शन क्या हो, फ्रिक्शन इज जीरो, तो फ्रिक्शन अगर जीरो होगा ना, तो ऐसे केस में अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो क्या टायर में वियर एंड टीयर होगा कि नहीं होगा? नो वियर एंड टीयर, क्योंकि इम्पेंडिंग मोशन ही नहीं होगा तो टायर फिर घिसेगा ही नहीं, ये नो वियर एंड टीयर का केस है। अगर आप फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो ऐसे केस में वी मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू एस को जीरो रख दो तो क्या बनेगा बताओ, म्यू एस जीरो रख दोगे तो रूट आर जी टेन थीटा नहीं बन जाएगा? यस सर, रूट आर जी टेन थीटा इट इज ड्यू टू बैंकिंग, तो विद बैंकिंग ऑल्सो द पर्सन कैन मूव, अगर बर्फ बढ़ी है तो भी वो बढ़ सकता है, सो इट इज नो वियर एंड टीयर केस है। और ये कौन सा केस है, विद फ्रिक्शन वियर एंड टीयर, टायर घिसेगा, अगला क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूँ विद वियर एंड टीयर। अब आगे देखो, नाउ एग्जाम्पल 5.10 A cyclist is speeding at 18 km per hour on a level road, takes a sharp circular turn of radius 3 meter without raising the speed. Level road का केस है और sharp turn है और radius 3 meter है, और 3 meter पर वो किस speed से जा रहा है, वो without reducing, मतलब वो अपना speed reduce नहीं कर रहा है, 18 km से चल रहा था और इसी से चल रहा है, तो क्या वो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये देख लें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या है, ये तो पता करना पड़ेगा लेवल रोड पे, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विदाउट स्किडिंग, वो तो वही चीज़ है परमिसिबल, उसी को ही तो कहते हैं ना, फिसल जाए तो फिर परमिसिबल क्या रह जाएगी, स्किड कर जाए गाड़ी, घिसती चली जाए जमीन में थोड़ी होती है, तो रूट म्यू एस आर जी लिखा है ऊपर। अच्छा कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए नहीं तो पहिया घिस जाएगा जमीन में, तो उन्होंने बता दिया है म्यू एस की कितनी वैल्यू है, 0.1 है, आर कितना है रेडियस 3 है, और जी कितना दिया है, वेट से कोई लेना देना इसमें नहीं है, परमिसिबल स्पीड में चाहे ट्रक जाए चाहे बोर्ड वही लगेगा कि अधिकतम गति सीमा इतनी, क्योंकि वो ये थोड़ी होगा कि ट्रक के लिए इतनी है इतनी, तब तो सब टकरा जाएंगी गाड़ियाँ, आगे वाली तेज चलेगी पीछे धीमी चलेगी, बोलो ऐसा होगा क्या कभी, और क्या ये पॉसिबल भी है सिंगल लेन रोड में कि आगे वाली तेज चले पीछे धीमी, बोलो सबको एक ही जैसा चल रहा है, तो इस मास से कोई लेना देना नहीं है, टायर चले मतलब कार चले साइकिल चले ट्रक चले स्कूटी चले सबकी एक ही स्पीड होती है, मास आ भी नहीं रहा इसमें, तो अब यहाँ जी कितना दिया है, जी जो भी दे रहा है जी तो 9.8 ही देना चाहिए, जैसा कहेगा वही लिखेंगे 9.8, जरा कैलकुलेटर से पता तो करो अंदर में कितना आता है, फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ गया, 2.94।
2.94 अच्छा 2.94 है, ठीक है। अब इसका रूट निकालो। 1.71 से जाना चाहिए मीटर पर सेकेंड। एज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज मोर देन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, सो ये क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सो साइक्लिस्ट विल स्लिप। एज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज मोर देन वी मैक्स, ये तो वी मैक्स का है ना, वी मैक्स यानी जो वेलोसिटी है वो वी मैक्स से ज़्यादा है उसकी, यानी जो 5 meter per second है वो 1.71 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, सो ही और शी विल स्लिप, इसलिए वो स्लिप कर जाएगा। आगे का कंडीशन देखो सर, वो टर्न नहीं ले पाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू टेक टर्न, सीधे चल रहा था तो चल जाता लेकिन टर्न तो नहीं ले पाएगा। एग्जाम्पल 5.11 देखो, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर है और उसे बैंकिंग की गई है, यानी उसमें कुछ एंगल दिया गया है ऐसे रेस ट्रैक, तो ये है बैंकिंग है, एंगल है तो ऐसा है। अब देखो कितने की बैंकिंग है, 15 degree, ठीक है। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, कुछ कुछ इस तरीके से समझ लो, मान लो ये है तो अब इसमें क्या चीज होती है कि अगर बैंक रोड है तो ऐसे सर्कुलर टर्न है तो ये बैंकिंग है, ये बैंकिंग है। अब बाकी आगे ये तो बैंकिंग हो गई, इसी पे कारें चल रही हैं, ये ऐसे है, बैंक रोड का मतलब है ये मिट्टी है तो मुड़ी मुड़ी है कि नहीं, अब फिर आगे भी होगी, हमने कट करके दिखा दिया ऐसे उठी हुई जमीन से, लेवल रोड अलग होती है। थीटा इतना दिया है और रेडियस कितना है, कैपिटल आर लिखो, 300 मीटर, और क्या क्या दिया है, कोफिशियंट दिया है म्यू एस 0.2। अब देखो दो चीज़ें पूछी गई हैं, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर, बोलो अवॉइड वियर एंड टीयर का कौन सा केस है बताओ। सो वी मैक्स विदाउट वियर एंड टीयर, विदाउट जीरो फ्रिक्शन, हाँ वियर एंड टीयर, फ्रिक्शन में तो चीज घिसती ही है तो वियर एंड टीयर, ठीक है। म्यू एस इज जीरो, म्यू जीरो है तो वो कौन सी स्थिति होगी, क्या रूट रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है आर जी टेन थीटा, तो हम इसी में वैल्यू रख दें 300, जी को जो दे दिया हो 9.8 और टेन 15 भी जरा देखो अपनी लॉग टेबल से, ये सारी वैल्यू मुझे बताओ, टेन 15 की पहले बताओ, थ्री हंड्रेड इंटू 9.8 ये सबका मल्टीप्लाई भी करो सर, 10-15 की 0.2679 0.2679 अब सबको मल्टीप्लाई करो, सेवन एटी सेवन पॉइंट सेवन सेवन रूट निकालिए, अच्छा ठीक है 28.1 आ रहा है तो 06 आपका आया है, उसने
राउंडिंग ऑफ कर दिया होगा, तो इतना मीटर पर सेकंड है या 28.1 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, कह रहा है वी मैक्स विद वियर एंड टीयर, टायर के घिसने की कीमत पर अगर निकाला जाए तो वी मैक्स कितना होगा। सो विद वियर एंड टीयर बट विदाउट स्किपिंग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो वो क्या होगा रूट आर जी। तो यहाँ लिखो म्यू एस प्लस टेन थीटा, इस फार्मूले को याद कैसे किया जाए, अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, मतलब एक तरीके से टेन थी, अगर आप म्यू एस को टेन फाई मान लो तो ये टेन थीटा प्लस फाई का ही फार्मूला है, देख लो है कि नहीं, टेन थीटा प्लस फाई, म्यू एस को क्या मान लो टेन थीटा प्लस फाई, तो टेन फाई प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस टेन फाई टेन थीटा नहीं होता है, बोलो। यस सर, वैसा मान के करोगे तो याद हो जाएगा। अब रखो वैल्यू, सो इसमें आर की वैल्यू कितनी हो गई 300, जी की वैल्यू कितनी हो गई ये म्यू एस की 0.2, फिर म्यू आर के बाद जी रखो, तो जी कितना हो गया 9.8, 9.8 म्यू एस की वैल्यू 0.2, टेन थीटा आपने बता ही दिया है, कितना बताया है पहले तो टेन 15 लिख लें डिग्री, अपॉन वन माइनस म्यू एस, तो 0.2 टेन 15 डिग्री, और ये पूरा कवर कर दें यहाँ तक होगा। अब इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ जो जो आपने बताई है, तो खैर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे तो नहीं आएगी, 300 इंटू 9.8, 0.2 प्लस 0.2679 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2679 ये हो गया। अब देखो 0.2 में ये जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई कर देना तो 0.4679, और ये मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आ जाएगा 9 × 18, 7 × 14, 1 15 और 2 × 6 × 12, 13 2 × 4, 5, तो 1 − 0.8 जी को मल्टीप्लाई करो 2940। अब 2940 1.0000 और 0.5358, तो 2 × 9 = 5 = 4, 9 × 3 = 6 और 9 × 5 = 4, सो 0.4679, और ये तो थोड़ा ही फर्क आ रहा है 4642, अब जो भी फर्क आ रहा है आप उसको निकालिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देखो क्या आता है 1 माइनस कर दिए 0.2 यूएस प्लस 10 थीटा 2963.433 पूरा कर लिया ना 2963.43 चेक करो कितना आता है, ज्यादा आ रहा है गलत आ रहा है 38.1 आना चाहिए, कहाँ गलती कर दी, आर जी और म्यू एस प्लस टेन थीटा और वन माइनस म्यू एस, ये जरा मल्टी ये तो मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो कुछ चेक करो, टेन थीटा क्या बताया था 2679,
सर 0.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.05358 होगा। हाँ यही गलती तो कर दी, 0. क्योंकि एक डेसिमल और आ जाएगा ना, सो 0.0 0.0। और अब सब्ट्रैक्ट भी कर दो, बताओ जरा, तो उसमें भी कितना आ जाएगा, 96 करीब कुछ आएगा। जीरो पॉइंट नाइन फोर सिक्स फोर टू 0.94। अब डिवाइड करके बाकी चीज करो, 1.0, तो ये 4 आ गया, फिर ये 9.4 आ गया, ये चीज आ गई सबट्रैक्ट करने पर। सही आ जाएगा 1453.5304। ठीक है, अब इसका रूट निकालिए, रूट तो आता है ना, 38.12। ठीक है, रूट आता है ना मानसी सर, आता है। चलो तो ये चीज आ गई, अब आगे देखो, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स में अभी तक हमने कुछ सवाल किए हैं, आगे देखो, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स में आपको बस अलग अलग सिस्टम लेना है, वैसे लिखा बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, ड्रॉ ए डायग्राम, पहले हमें स्कीमेटिक डायग्राम बनाना होता है। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास एक ये सिस्टम था पुली वाला, तो इसको मैंने अलग सिस्टम लिया था ट्रॉली को, है ना, और ट्रॉली पर लगने वाले फोर्स अलग लिए थे कि नहीं, और ये मास है, तो दो सिस्टम मान लिए थे, एक ये सिस्टम माना। तो जब ये सिस्टम माना तो इस सिस्टम में हमने सारे फोर्स जो इधर एक्ट कर रहे थे वो ले लिए, और जो ऊपर वाले सिस्टम है तो उसमें ले लिए, तो इसमें दो फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे थे, तो इस पर लगने वाला एक फोर्स था mg। तो हमें क्या करना था कि जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं और एफ नेट को क्या मान लो, ma, मान लो इसका मास m1 है और इसका मास क्या है m2, इसे आगे कौन लीड कर रहा है, क्या टेंशन, और इसे पीछे कौन ले जाना चाहता है, क्या रोलिंग फ्रिक्शन। तो आगे इसे टेंशन लीड कर रही है और इसमें टेंशन ऊपर लग रही है और नीचे mg लग रहा है, तो इस सिस्टम के लिए जो एफ नेट है वही क्या ma होगा, बोलो एफ नेट। लेकिन एफ नेट क्या है, इसमें एफ नेट क्या है, सो इट इज एफ नेट की जगह क्या mg माइनस t लिखना होगा, बोलो, क्योंकि ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा है, तभी तो नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, बोलो m1a, हाँ या नहीं, सर। हाँ बोलो, यस सर। अच्छा इधर देखो, इसे कौन लीड कर रहा है, क्या इस वाले को, क्या t, पुली में सारी टेंशन सेम रहती है, तो t माइनस एफ क्या यही m2a है, बोलो। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, पहले स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ, फिर वो क्या कह रहा है कि ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम, टेक ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसे हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आगे चलकर इसे एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी लेंगे, अगले चैप्टर में होगा ये। सो टेक ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट, और नेग्लेक्ट ऑल दोज फोर्सेज
जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। मान लो ये एम टू जी है और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग गई, तो क्या इसका कोई वर्टिकल मूवमेंट होगा क्या? तो वो भी फोर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं उसे नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अगर चाहो तो एम टू जी को किसके इक्वल लिख सकती हो, एम टू जी को। सो दैट कैन बी रिटन एज नॉर्मल रिएक्शन है, बात की नहीं, बट लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। और आपको अगर बाकी एफ है, एफ को डिराइव करना है, तो म्यू के एन भी लिख सकती हो, है कि नहीं? काइनेटिक के लिए म्यू के एन, तो वो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे ऐसे। तो सारे फोर्सेस ले लो जो जरूरत वाले हों, टेक ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड, फिर ऑल फोर्सेस एंड टेक इट एज सिस्टम, टेक इट एज सिस्टम, द नेट फोर्स इज इक्वल टू द एम ए, किसी भी चीज में एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सब में यही करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सब में लगा दो, इतना ही काम करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद सॉल्व वेरियस इक्वेशन फॉर्म टू फाइंड द अननोन क्वांटिटीज, सॉल्व फॉर वेरियस अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, आगे की बात करो। सो एग्जाम्पल 5.10, 1, 2, चलिए। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन ए सॉफ्ट हॉरिजेंटल फ्लोर। तो एक वुडन ब्लॉक है लकड़ी का, और वो रखा हुआ है सॉफ्ट हॉरिजेंटल फ्लोर पर, ऐसे रखा है, ये 2 kg का है, और इसके ऊपर स्टील का आयरन सिलेंडर रख दिया गया है, तो वो आयरन सिलेंडर ऐसे रख दिया गया है, जो कितने kg का है, 25 kg का है, ये रख दिया गया है। ऐसा करने पर जो फ्लोर है वो सॉफ्ट है, तो वो यील्ड करता है, नीचे धंसता चला जाता है। जैसे मान लो किसी चीज़ पे कोई चीज़ रखी है और वो चीज़ नीचे गिरने लगी, सॉफ्ट था तो उस वो दबने लगा, दबने लगा तो एक्सीलरेट भी करने लगा, अब नीचे चलने लगा, तो अब एक्सीलरेट करने लगा, दोनों चीज़ें नीचे जाने लगी, तो ये नीचे जाने लगी तो उस पर क्या एक्सीलरेशन आया, किससे वो नीचे जाने लगी, तो 0.1 m/s² से। ये स्टील का है और ये किसका है, वुडन का, ये चीज़ है। तो अब हमारे पास दो मासेस हो गए, इसे आप M1 मान लें और इसे M2 मान लें। फिर आगे क्या कहता है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो ये जो ब्लॉक है इसका इस फ्लोर पर क्या एक्शन है, पहले पूछ रहा है। सो व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर। तो ये जो वुडन ब्लॉक है और स्टील का सिलेंडर है, ब्लॉक कुछ और है और सिलेंडर कुछ और है, वुडन में ब्लॉक है और स्टील का क्या है, सिलेंडर है। अच्छा, एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर इस पर क्या लगाएगा, बोलो, अपना मास लगाएगा, फिर इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी कि नहीं। तो सिलेंडर का वेट इधर है और इससे ऊपर की ओर क्या लग रही है, बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये M2G लगाएगा, M2G इस पर वेट लगा रहा है, एक तरीके से ये इस सरफेस पर लगने वाला फोर्स है, ऊपर से इसकी वजन पड़ रहा है कि नहीं, तो क्या ये इसी सरफेस पर लगने वाला फोर्स नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद इसकी जो निचली सरफेस है, तो निचली सरफेस पे भी एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इसे N मान लिया, और जो ये नीचे वाली सरफेस है इस पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, उसे क्या मानो,
क्या एन डैश सही है? अच्छा yes, इस इसका खुद का वजन नीचे क्या एम वन जी लगेगा? यस सर। और क्या ये टोटल चीज नीचे की ओर 1.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सिलरेट कर रही है? अब देखो कि इतना सब कुछ हो रहा है, जी को 10 लेना है, तो मैं क्या इसे एक सिस्टम मान लूं? तो इस पे नेट फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? क्या इस पर अगर मैं इसी पर देखूं तो क्या ऊपर वाला ब्लॉक इस पर एम टू जी लगा रहा है? बोलो, इसी पे तो फोर्स अपना लगा रहा है और ये उस पे नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या लगा रहा है बताओ? एम टू जी नहीं लगा रहा है। अच्छा yes, ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर क्या लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है कि नहीं? जो कि एंड ऐसे ये किस पर फोर्स लगा रहा है वो मत देखो, इस पर लगने वाले फोर्स देखो। आप कहोगे M2G क्यों नहीं लिया, बात सही है कि नहीं? ये भी किसी पे फोर्स लगा रहा है, बट इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स देखो। जब मैं फ्लोर की बात करूंगा तो फ्लोर पर क्या है, फ्लोर पर लगने वाला फोर्स क्या है बताओ? ये चीज है। तो फ्लोर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर M1G है, तो फ्लोर को जब लोगे तो व्हेन टेकिंग एज ए फ्लोर तो उस पर M1G लग रहा है और उसी से वो क्या दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इंडेक्स दे रहा है कि नहीं? तो ये फ्लोर पर लगने वाला है M1G। अच्छा, और फ्लोर यील्ड कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि M1G प्रिवेल कर रहा है, उसकी जीत हो रही है, तभी तो वो नीचे जा रहा है। अब फ्लोर इज यील्डिंग, बट फ्लोर का कोई वजन नहीं है, तो मैं अब फ्लोर के लिए तो कुछ नहीं लिख सकता ना कि वो यील्ड कर रहा है। फ्लोर का कोई वजन होता है क्या बताओ? नो सर। तो इसलिए फ्लोर के केस में हम नहीं लेंगे, फ्लोर हमें कुछ प्रोड्यूस नहीं करा सकता, उस पर हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक एक्सटेंडेड बॉडी है। अब हम आते हैं इस केस में, तो अब जरा देखो इस पर क्या फोर्स लग रहे हैं और क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, दैट वी विल कैलकुलेट। ओके, जस्ट एक मिनट, यहाँ तक बात हो गई है। आप देखिए नाउ, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि जो ये वाला ब्लॉक है उस पर M1G लग रहा है, ऊपर से M2G लग रहा है इसी पर, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। तो इस पर F डाउनवर्ड माइनस F अपवर्ड, नीचे लगने वाले दोनों फोर्स माइनस अपवर्ड, यही M1A हो गया। और इस बॉडी पर इसका M1G लग रहा है और ऊपर की ओर M2G लग रहा है, और ऊपर इस सरफेस पर जो पहली वाली सरफेस है उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। तो M2G माइनस N इज इक्वल टू M2A, यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया। तो अब पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वॉट इज द एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। अब एक क्वेश्चन, ये तो हमने सारी चीज़ देख ली यहाँ तक, अब यहीं पे छोड़ो। पहली बात कि बिफोर ब्लॉक यील्ड्स, यील्ड कब करने लगा बताओ? जब कुछ ऊपर रखा गया तभी तो यील्ड किया है कि नहीं? बिफोर ब्लॉक यील्ड्स, पैर धंसता चला जाए उसको यील्डिंग कहते हैं। बिफोर ब्लॉक, अगर आप अपना एक हाथ एक फिस्ट केक पे मारो तो क्या केक के अंदर हाथ घुसता चला जाएगा? उसको यील्डिंग कहते हैं। या रेत पे मारो, तो बिफोर ब्लॉक यील्ड्स, तो उस समय क्या है बिफोर ब्लॉक यील्ड, तो सिर्फ एक यही वजन है जो जमीन पर रखा है, तो इसकी जो एक्शन होगी क्या वही रिएक्शन होगी? तो इसका एक्शन क्या होगा, क्या M1G? बोलो, ब्लॉक तो यील्ड नहीं कर रहा है, एक्सीलरेशन क्या है? तो M1G इज रिएक्शन फोर्स। सो M1G कितना हुआ, 2 × 10 इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, तो कितना हो गया? सो ये R हो गया रिएक्शन फोर्स, एंड एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, सो एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर इज 20 न्यूटन। बोलो ठीक है ना? बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? फोर
फोर्सेस आर इक्वल, सो एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर कितना हो जाएगा, इस 20 न्यूटन। ये तो पहले का आंसर आ गया, अब आगे की बात करो। आगे क्या कहता है, बिफोर एंड आफ्टर द ब्लॉक यील्ड्स। तो अभी बी पार्ट देखें, बी पार्ट में क्या चीज कही गई है कि दैट इज टोटल मास। अब सेकंड पार्ट में एन डैश दिया, नॉर्मल रिएक्शन है, ओके। सो ये तो एन डैश है, एक्शन हमें निकालना है कि इस पर कितना एक्शन है। सो एफ डाउनवर्ड M1G और M2G और इसका अपवर्ड, अपवर्ड भी लेना पड़ेगा, इस पर लगने वाला जो ऊपर का फोर्स है वो भी लेना पड़ेगा, एन भी लेना पड़ेगा। जो सारे फोर्स हैं यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एन डैश प्लस एन लिखो, समझ में आई बात, क्योंकि ये इस पर ही लग रहा है ऊपर, तो इसे क्या लिख लो, एन डैश प्लस एन। अभी दूसरे तरीके से भी बताएंगे, पहले इसे देख लें, एन डैश प्लस एन, जो जो फोर्स अपवर्ड लग रहे हैं, तो एन डैश प्लस एन, एन डैश प्लस एन, हमें एन डैश निकालना है, एन नहीं निकालना, एन डैश निकालना है। सो एन डैश प्लस एन, जैसे 10 सिक्के रखे हों तो सब सिक्के पे अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन लगती है, उसी तरीके से हम कर रहे हैं, तो एन डैश प्लस एन। लेकिन अब हम एन निकाल लें तो एन डैश भी आ जाए, एन यहां से निकालो, एन कैसे निकालोगी यहां से, तो इससे कैसे एन निकाला जाए, एम टू जी माइनस एन क्या है बताओ, एम टू ए है क्या, बी फिर से बता देंगे, एम टू जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम टू ए, तो एम टू कितना है और एन क्या यही 25 × 0.1 है, तो ये क्या 250 है और माइनस एन यही क्या 2.5 है, तो एन कितना हुआ, यही तो हुआ, तो ये कितना हुआ 250 में से 2.5, 247.5 हुआ क्या, बोलो सर। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या उसी में ये वैल्यू डाल दी जाए, ये है फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं, और एन आ गया है, तो 269.8 इज इक्वल टू एन डैश प्लस एन, और एन कितना आया है बताओ, ठीक है, एन टू सर एन और आर एक ही है क्या, एन और आर 247, यहाँ पर एन आ गया है, इसको उधर ले लिया और यहाँ इसकी कितनी वैल्यू आई है, एन कहीं पर M2G माइनस एन इज एम टू ए, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर कितनी लग रही है, M2G ये 25 kg का सिलेंडर है, सो 25 × 10 इसको इधर ले लिया 2.5, ये एन हो गया, एन की वैल्यू ये आ गई और हमें एन डैश चाहिए जबकि एक्सीलरेशन इस पर लग रहा है, तो एन डैश क्या आएगा 247। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी इसको कल करते हैं, ठीक है ना, एक बार मैं इस पर थोड़ा सा और देखूँगा क्योंकि ये इसमें 270 माइनस आर डैश इज इक्वल्स टू, इसको कल करेंगे, इसको यहीं रखो, ठीक है, इसका अलग से देखेंगे, क्योंकि अगर ये सिस्टम कह रहा है, एक तो तरीका हो जाता है कि आप क्या करें कि दोनों बॉडी को एक साथ ले लें कि यील्ड कर रही है, तो टोटल देखो तरीका है कि ये सिम से अलग से भी है, मान लो थोड़ी देर के लिए देखें कि यहाँ पर
तो इस पर टोटल वजन कितना पड़ रहा है, तो टोटल वजन इस पर डाउनवर्ड कितना लग रहा है बताओ, इस सरफेस पर, तो इस पर नीचे की ओर क्या कितना फोर्स लग रहा है, क्या एम वन प्लस एम टू जी लग रहा है बोलो। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है यार, और क्या ये जो एक्सीलरेशन है वो टोटल पे लग रहा है, तो एम वन प्लस एम टू जी नीचे का फोर्स, ऊपर की ओर का नॉर्मल रिएक्शन, और एम वन प्लस एम टू ए, अगर ऐसे करोगी तब तो आंसर आ जाएगा। एम वन प्लस एम टू जी क्या ये 27 इंटू 10 हुआ, और ये क्या हुआ, इट इज़ 27 इंटू 0.1, तो इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, तो 270 माइनस ये कितना है, क्या 2.7, तो तब तो आंसर आ जा रहा है 267 हो जाएगा कि नहीं, 267.3। तो आंसर तो ये ठीक है, बट मैं अगर अलग अलग सिस्टम करके करता हूँ तो नहीं आ रहा है बात कि नहीं बोलो। टोटल ये टोटल एक सिस्टम मान लिया इन्होंने पूरी बॉडी को, तो पूरी बॉडी को डैश को क्यों नहीं कंसीडर किया, मतलब इन्होंने कहा कि ये पूरी बॉडी एक इंटीग्रल ले ली, और पूरा मास कितना नीचे लग रहा है एम वन प्लस एम टू जी, और पूरा मास इस पे नीचे लग रहा है, तो पूरी नॉर्मल रिएक्शन इसी सरफेस पर आ रही है, आर डैश की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कह रहा है फ्लोर पर पता करना चाहता है, इस सरफेस पर नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि टोटल मास इस पर कितना लग रहा है, एक वजन है ये, इन दोनों को समझो एक मास, तब तो इतना वजन पड़ रहा है, और तब नॉर्मल रिएक्शन क्या हुई, आर हुई, ठीक है, तो आर हो गई, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला इज इक्वल टू इस पर लगने वाला एक्सीलरेशन, इट इज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होगा कि नहीं, ये एफ नेट है डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, क्योंकि इस सरफेस की बात करोगी तो इस सरफेस पर नीचे इतना फोर्स लग रहा है, और ये अब इसमें क्या है, ये पूरा एक मान लो यहाँ से यहाँ तक, और इसे फिर अलग ना मानो, इसके ऊपर सिलेंडर रख दिया ये एक मान लो, फिर आर डैश है उसके बारे में नहीं मान रहे, कह रहे हमने ये पूरा एक मान लिया, एक चिपका हुआ, तो इसका टोटल वजन नीचे और इसका ऊपर फोर्स ऊपर, तो वो केस है कि मान लो अगर 10 सिक्के एक के ऊपर एक रखे हैं तो सातवें सिक्के पर रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, तो हम ऊपर वाला उसी मेथड से कर रहे थे बट आया नहीं, कि अलग अलग सिक्कों पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, 10 5 रुपए के सिक्के के ऊपर एक रख दो स्टैकिंग बना के, तो सेवेंथ सिक्के पर, नीचे से सेवेंथ सिक्के पर क्या नॉर्मल रिएक्शन होगी, सो वी वांट आई वांट टू सॉल्व बाय दैट मेथड, लेकिन कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर हमने कैलकुलेशन में कुछ चीज़ इग्नोर की है, अदरवाइज हमारा आंसर ठीक आ जाता, तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं गलती की है, वो अभी यहाँ से पता नहीं चल पा रही है कि वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, आनी चाहिए थी बट दैट आई कुड नॉट नोटिस, समझ में आई बात कि नहीं, देखने पे पता चलेगा, मैं पूरा एक बार गो थ्रू करूँगा, लेकिन ये समझ में आ गया जो बुक का मेथड है, कुल वजन मान लिया तो कुल वजन नीचे, अब कुल वजन माइनस नॉर्मल रिएक्शन इट इज इक्वल टू दिस तो आ जाएगा, ओके ठीक है। और जो दूसरा मेथड है वो भी ज़रूरी है, वो हम देखेंगे कहाँ हमने गलती की है तो बताएंगे, सो ये रिव्यू किया जाएगा। अब देखो ये वाला, सो इस चीज़ को हम एक बार और देखेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस आंसर्स आपको बाद में कराए जाएंगे, लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट चैप्टर, आप इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कर दें,